मस्कीन पुर शरीफ वाले जेट लिखे हजरत यजीद और हुसैन के बारे में थोड़ा सा आगाह फरमा दे, मुतारे फरमाए। तो हजरत ने दो जुमलों में कहा, यजीद था हुसैन है, हमारा हुसैन प्यारा हुसैन, हमारा हुसैन प्यारा हुसैन, करबला का शाह हुसैन। अगला अगला आसानी से वेद सो, हुसैन उमर उस्मान नबी दे साहबा ये शहीद हो जिंदा या मुर्दा हैं? आपको शहीद जिंदा है, आपको शहीद जिंदा है। कुरान आता है फरमाया बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। और साहब ने दे रखी ध्यान है ऐसा ऐसा टाइम बड़ी मेरी बोल गए नहीं हुसैन शहीद आपको जिंदा है, आपको शहीद एक गजबा है बालबन गजबा है पूरे जिला जाइए दे गजबा को होते अबू सुफियान ने तबाद बुलंद की थी, आए ना मोहम्मद आए ना अबू बकर आए ना उमर, कहाँ है मोहम्मद कहाँ अबू बकर कहाँ है उमर, खामोश है। द्रोप से हजरत उमर से या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं इसको जवाब दूँ कि हम हैं मौजूद हैं। जवाब दो अबू सुफियान आख लगा सुन लो, बदर में तुमने हमारे मारे थे, आज उहद में हमने बदला ले लिया, बदर में तुमने हमारे 70 मारे थे, आज हमने तुम्हारे 70 मार दिए, बदला हो गया बराबरी हो गई। आए गैरत मंद उमर मेरे पैगंबर की दुआ उमर, तुम्हारा कलग अबू सुफियान गलत कह रहा है, मारे तुम्हारे भी गए। तवज्जो करना आसानी के नुकते को याद रखना तवज्जो। अब मेरे खिताब ने कहा अबू सुफियान मारे तुम्हारे भी गए, मारे हमारे भी गए, मारे तुम्हारे भी 70 गए, मारे हमारे भी 70 गए, मगर दोनों को बराबर तो ना कहो ना, वो मरे हैं नबी की गुस्ताखी में, ये मरे हैं नबी की मोहब्बत में। मैं तुम्हारे मर कर मिट्टी हो गए, हमारे मर कर भी जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह, हमारे मर के भी जिंदा हो गए, कह दो ना हमारे मर के भी जिंदा है। वला तकूलो लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशुरून वलनबलुवन्नकुम। राजा कुरान ये कई बंदे मोहरा में टोले सुनना होंगे मियां कुरान सुना करो जब उन्हें सुबहान अल्लाह। आप अब्दुल खालिक अली पूरी से मेरे कहे तो वो भी हो गए हो सके अल्लाह ने सौदा कर दिया मिनल मुमिनीना मोमिनों से, अनफुसहुम व अमवालहुम उनकी माल भी लेता है उनकी जान भी लेता है, उनको बदले में जन्नत देता है। सुभान अल्लाह। अगर ये तर्जमा भी तक समझ नहीं आता पर मैं तक सरेकी दे शायरी के अंदर तर्जमा सिखावा। दरख्त लग दिन पटी दे रात दिन उचिया को जरा सुभान अल्लाह, दरख्त शहीद मर के भी जी दे मुहम्मद मुस्तफा ताजदार।
नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, सुनियों का प्यारा हुसैन, नारे तकबीर। और इतना दाखला का सानी साहब ये दसो हुसैन शहीद हुए, आखिरी बात वीर हुसैन शहीद हुए, हजरत उमर शहीद हुए, हजरत उस्मान शहीद हुए, क्या शहीदों को तकलीफ होती है? मैं फिर नहीं होती। हुसैन शहीद होया है, हुसैन को तकलीफ नहीं हुई, अब हुसैन को तकलीफ नहीं हुई। क्या दलील है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दबा के पढ़ मेरे को दलील है कि जुलैखा नु औरता ने मेने दीते ताने दीते के कमली कादी धोदी क्या की दई सर खरीद गुलाम ते खरीद तो हो गई दिल दे बैठी है वो तो गुलाम है। अच्छा जुलैखा ने क्या कीता है? पर गिराम बढ़ाया है, खाने का बंदोबस्त कीता है, फ्रूट मंगाए। ये मेरे सारी सहेलियां को सदा सी ना ते उन्होंने हाथ के अंदर छुरियां पकड़ा दी, उलमा बैठे सिक्कीन छुरियां पकड़ा दी, मुत्तका तकिए भी लगा दिए। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज दी, वकालत खुरुज अलैहिन्न, यूसुफ आ जाओ जरा इनको अपने हुस्न की झलकी दिखाओ कि हुस्न यूसुफ क्या है। तवज्जो करना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मेरे सामने जिन्हें औरतें सेब कटने हैं अपनी उंगलियां कटनिया शुरू कर दीतियां, वकत्ता न आई दिया उन्ना बकुल नहा शरीलाह मा हाजा बशरा। ओ नैया वालो मैं अर्ज कर दरा ना ईया मेरे कोल दलील है, जिना हुस्न यूसुफ को दिखे उन अपनी उंगलियां ते अपने हाथ कट दीते ने उन्हें को तकलीफ नहीं हुई। पर जे मेरे हुसैन शहीद होया है सामने मदीने वाला मुहम्मद आई उच्चा को जरा सुभान अल्लाह, सामने तकलीफ नहीं हुसैन अपने मुहम्मद का दीदार पिया करें उसने यूसुफ और है सब और है हुस्ने मोहम्मद और है तूर सीना और है अरशे मुअल्ला और अल्लाह ताला तो हजराती और मेरी हाजरी अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह की कसम हुसैन का एक काफिला, हजरत हुसैन का साबिर काफिला जदों रवाना होया ना कूफा की तरफ और इब्ने ज़ियाद कचहरी लई बैठा है और इक्तदार ना दशा इब्ने ज़ियाद कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी इक्तदार पे बैठा है और इक्तदार का नशा भी बड़ा अजीब है। इक्तदार की कुर्सी पे बैठा है आदम के गए मेरे हजरत हुसैन का एक काफिला मजलूम काफिला जब उठे पहुंचे ते पर्दादार बीबी ज़ैनब पर्दे नाल आई, नैया वालों नाराज ना थी भाई मैं याद रहना हुसैन का घराना पर्देदार है, हुसैन का घराना पर्देदार है। याद रखने अली दे बाल रोल गए थे बीबिया दे बाल खुल गए, मैं जाकिर की गल मना या मोहम्मद का फरमान मना जगो सुभान अल्लाह। हुसैन की बहन अगर मदीने है तो पर्दे नाल है, अगर करबला है तो पर्दे दे नाल है जगो दर सुभान। और अपने सियाद के सामने बीबी ज़ैनब जय मेरे कहिए रब्बे तौबा की कसम ज़ैनब पर्दे नाल आई और इब्ने ज़ियाद अख लगा ये औरत कौन है, ये कौन है? अच्छा एक सहाबी रसूल गालिब अनस इब्ने मालिक बैठे हैं, इब्ने ज़ियाद को अख लगे चजोड़ के अख लगे और ज़ालिमा आज पुछते बैठे जो कौन है यो तहाई जेड़ा कल मैदान दे करबला दे अंदर जेने भाई नु शहीद कीता है या बीबी तहे जेने भतीजे जेने बेटे सिवा कीता नहीं, आज पुछते बैठे हैं कि ये औरत कौन है, ये खातून कौन है? हया कर ये इक्तदार आने जाने वाली चीज है। अच्छा और इब्ने ज़ियाद अखलग अच्छा 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 जो हुसैन की बहन है देखो आज हम फाते बन गए और ये जलील हो गए ये हार गए। तवज्जो करे जब इसने गल की दी ना तो बीबी ज़ैनब कुरान पढ़े अब वलिल्लाहि इज्जतु वलि रसूलिहि वलिल मोमिनीन। ओए इब्ने ज़ियाद
इक्तदार को इज्जत समझी बैठे, इक्तदार आरजी चीज है, ये आने जाने वाली चीज है। इज्जत अल्लाह की है, इज्जत अल्लाह के रसूल की है, और इज्जत क़यामत तक मोमिनीन की है। आखो मोमिन इज्जत वाला, अपना मोमिन इज्जत वाला, हुसैनी इज्जत वाला, मोमिन इज्जत वाला, कुरान पढ़ने वाला इज्जत वाला। और उस मजमे के अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठे, इब्न ज़ियाद कहा, ये बच्चा कौन है, क्या तारुफ है आपका? आए होंदा तेरा मेरा बेटा घबरा जांदा, ओए हुसैन का बेटा है। खड़े हो क्या कह लगा, मेरा नाम ज़ैन इब्न हुसैन है, कुछ लोग ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। कहेगा बेटा सुनाओ, कल आपकी और हमारी जंग हुई थी, क्या फैसला हुआ, आप जीते या हम जीत गए? कह लगा आए ज़ैनुल आबिदीन कह लगा, इब्न ज़ियाद थोड़ी देर ठहर जा, ये सामने मस्जिद किसकी है? इब्न ज़ियाद कह लगा हमारी। कह लगा हुकूमत किसकी है? कह लगा हमारी। कह लगा मस्जिद का मुअज्जिन कौन है? कहने का हमारा तनख्वाह आ रहा है। कहने का ठहर जाओ, अभी असर की अजान का वक्त होने वाला है, अगर तेरा मुअज्जिन अजान में तेरा नाम ले, यजीद का नाम ले, तो फिर तुम जीत गए, अगर मुअज्जिन मेरे नाने मुहम्मद का नाम ले तो फिर हम जीत गए। सुभान अल्लाह, जो तड़पाती है दिल मेरा, जो तड़पाती है दिल मेरा, वो उल्फत है मोहम्मद की, जो है पेशे नजर हर दम, अकीदत है मोहम्मद की, मदीने से जो आती है तो इतना पूछ लेता हूँ, हवा जल्दी बता कैसी तबीयत है मोहम्मद की। गुनाहगारों न घबराओ, सियाहगारों न शर्माओ, सुनो आवाज कानों से जो आती है मोहम्मद की। गुनाहगारों को जन्नत में खड़े दरबान रोकेंगे, हुक्म होगा कि आने दो, ये उम्मत है मोहम्मद की। गुनाहगारों को जन्नत में खड़े दरबान रोकेंगे, के आने दो, ये उम्मत है मोहम्मद की। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाजिरी अल्लाह की बारगाह में कबूल फरमाए, और मेरे साथी भाई नासिर महमूद जगवी साहब इन्होंने अभी टाइम दे दें, दो शेर जिक्र हुसैन पर पढ़ेंगे भाई नासिर महमूद जगवी साहब, उसके बाद इंशाल्लाह सना खान रसूल।